बात करेंगे यूपी डीएलएड और बीटीसी को लेकर कि इसकी लास्ट डेट फॉर्म की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 22 अगस्त लास्ट डेट थी और काफी कम बच्चे इसमें अप्लाई कर पाए क्योंकि इसकी डिमांड अब इतनी ज्यादा हो गई है। जब से माननीय कोर्ट ने कहा है कि बीटीसी और डीएलएड को जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल रखेंगे और बीएड को इनको एलिजिबल नहीं रखा गया, जब से लोग काफी इंटरेस्टेड इसमें लेने लगे हैं बहुत ज्यादा कि चलो भाई हम फटाफट बीटीसी डीएलएड कर लेते हैं तो 2-3 साल बाद हो सकता है गवर्नमेंट जॉब उनकी लग जाए, तो ये बहुत ज्यादा रुचि हो गई है लोगों को जब से। और पहले क्या होता था कि ये साइड जो है बहुत स्मूथ चलती थी, मैंने कई बच्चों को फॉर्म पिछली बार भरे थे कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस बार कई बच्चों ने मुझे फॉर्म भरने के लिए कहा लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। एक आध स्टूडेंट्स का ही मैं भर पाया लेकिन साइट बहुत ज्यादा क्रैक चल रही थी, मतलब पूरी खुल ओपन ही नहीं हो रही थी ये समझ लीजिए। लेकिन काफी बच्चों ने मेल करा, मैंने भी मेल करा और काफी बच्चों ने मेल करा है, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि इसकी डेट को फिर से लाया जाएगा और फिर से फॉर्म ओपन होंगे, क्योंकि अभी तक 2,33,000 के आसपास जो है वो फॉर्म पहुंचे हैं, वो बहुत ही कम है। 2,33,000 इतने बच्चे तो वेट कर रहे हैं कि भाई फिर से इसको रीओपन किया जाए और साइड को स्मूथ रखा जाए जिससे वो अपना फॉर्म में अप्लाई कर पाए। तो काफ़ी मेल भी जा रहे हैं, मैं जो भी बच्चे मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ उनको मेल कीजिए और आप लोग भी मेल कीजिए, और पूरी पूरी उम्मीद है कि साइड 2 से 3 दिन में साइड को बड़ा करा जाएगा, उस पर काम चल रहा है, टेक्निकल काम चल रहा है और फिर इसको रीओपन किया जाएगा आप लोग के लिए और फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका छूट गया है तो वो मुझसे भी फॉर्म को भरवा सकता है, मेरे पास पूरी टीम है, 2-3 का स्टाफ है मेरे पास, वो आपका फॉर्म अच्छे से भर देंगी बहुत अच्छा स्पीड के साथ। अगर ये साइड स्मूथ भी अगर थोड़ी सी भी चल जाती है तो भी हम लोग जो है वो आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फॉर्म का अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है, आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके रिक्वायरमेंट है वो आप भेज दीजिएगा, हम लोग आपका फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। और मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनकी डेट जैसे ही बढ़ेगी आप पूछ भी सकते हैं मुझसे और मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि डेट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं बच्चे और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि डीएलएड जो आयोग है वो इसकी बात को सुनेगा और डेट को आगे बढ़ाएगा। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो डेट फिर से आ जाएगी और रीओपन हो जाएगा, कम से कम 15 से 20 दिन का समय मिल सकता है फिर से फॉर्म अप्लाई करने का। तो निराश ना हो, बस इंतज़ार करें और मेल करते रहें तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।